दोस्तों आप लोग सभी टेलीग्राम एप्लीकेशन तो जरूर ही यूज़ करते होंगे, बट दोस्तों टेलीग्राम में कुछ ऐसे हिडन फीचर्स, कुछ ऐसे हिडन टिप्स एंड ट्रिक है जो कि दोस्तों आपको मालूम नहीं है। एंड आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आज का हूँ टेलीग्राम के कुछ ऐसे हिडन टिप्स एंड ट्रिक लेके, जिसे दोस्तों अगर आप जान लेते हो तो अभी तक जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा है टेलीग्राम एप्लीकेशन के साथ वो दोस्तों और भी ज़्यादा मज़ेदार और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ दोस्तों, सीधा आपको वीडियो पर ही ले चलता हूँ एंड दिखाता हूँ दोस्तों कौन कौन सा ये टिप्स एंड ट्रिक है एंड आप किस तरह से दोस्तों इस सारे टिप्स एंड ट्रिक को यूज में ले सकते हैं एंड अपने यूजर एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा मजेदार किस तरह से बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला एक ट्रिक निकल के आता है दोस्तों, उसके मदद से आप टेलीग्राम को एज ए क्लाउड स्टोरेज यूज कर सकते हो। जहाँ दोस्तों उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, ऊपर में आपको राइट के टॉप साइड में 3 लाइंस बटन पे क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको सेव्ड मैसेजेस पे यहाँ पे क्लिक करना है। देन दोस्तों जिस भी फोटोज वीडियो फाइल को यहाँ पे आप क्लाउड स्टोरेज में सेव करना चाहते हो उसके लिए सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप अपने फाइल्स में जाओ एंड जिसे भी दोस्तों सेव करना चाहते हो सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंड कर दो एंड जो भी वीडियोज वगैरह है, जो भी फाइल्स वगैरह फोटोज़ वगैरह सारे को यहाँ पे दोस्तों आप सेव कर दो एंड यहाँ पे जो भी दोस्तों फाइल्स वगैरह आपने यहाँ पे सेव किया वो दोस्तों लाइफ टाइम सेव रहेगा। जब तक दोस्तों आप डिलीट नहीं करोगे वो डिलीट नहीं होगा एंड जब भी दोस्तों को बैकअप चाहिए सिंपली से उस फाइल्स फोटो वगैरह को सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करके सेव टू गैलरी करो एंड आसानी से दोस्तों जिस क्वालिटी में आपने अपलोड किया था उसी क्वालिटी में ये वो आपका गैलरी में वापस सेव हो जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों कोई लिमिटेशंस नहीं है कि 2 GB 4 GB 5 GB तक यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे अनलिमिटेड कर सकते हो एंड यहाँ पे कोई आपको चार्जेस नहीं लिया जाता। टेलीग्राम पे दोस्तों आप किसी भी मैसेज का ट्रांसलेशन कर सकते हो अपने खुद के लैंग्वेज में। जैसे कि देख सकते हो नीचे पे एक मैसेज है, सिंपली इस मैसेज पे आपको टैप करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रांसलेट पे टैप करना एंड जिस भी लैंग्वेज को आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है उस लैंग्वेज में यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा। एंड इस फीचर्स को एनेबल करने के लिए सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको लैंग्वेज पे जाना है। देन दोस्तों यहाँ पे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा सो ट्रांसलेट बटन, सिंपली दोस्तों इसको इनेबल करना। देन दोस्तों नीचे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है किस लैंग्वेज में यहाँ पे आप ट्रांसलेशन देखना चाहते हो, जिस भी लैंग्वेज में चाहते हो उस लैंग्वेज को यहाँ पे आप सिंपली से क्लिक कर लो एंड जो भी मैसेज यहाँ पे दोस्तों आपको रिसीव होगा सिंपली दोस्तों उसे ट्रांसलेट कर सकते हो आप अपने खुद के लैंग्वेज में। अगर दोस्तों आप किसी को टेलीग्राम पे मैसेज करते हो एंड वो सारा मैसेज वो ऊपर से जाके यहाँ पे नोटिफिकेशंस बार से चेक कर लेता है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इग्नोर कर देता है, अगर दोस्तों इस चीज़ से आप बचना चाहते हो सिंपली से जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हो वो सिंपली से यहाँ पे टाइप करो एंड कुछ इस तरह से उस सारे मैसेज को यहाँ पे सेलेक्ट करो। देन दोस्तों ऊपर आपको स्पॉयलर का एक बटन देखने को मिलेगा, सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको स्पॉयलर के बटन पे क्लिक करना एंड कुछ इस फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे मैसेज हो जाएगा। एंड अगर इस मैसेज को आप सेंड करते हो एंड अगर वो ऊपर नोटिफिकेशन बार से भी चेक करना चाहेगा तो उसे कुछ इसी फॉर्म में मैसेज देखने को मिलेगा। जब तक कि दोस्तों वो खुद से यहाँ पे टेलीग्राम एप्लीकेशन पे आके इस मैसेज को चेक नहीं करता है तब तक दोस्तों उसे कुछ इसी फॉर्म में यहाँ पे मैसेज देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो ये तरीका एक बार आप जरूर ही अपनाना। टेलीग्राम पे दोस्तों आप किसी को भी साइलेंट मैसेज भेज सकते हो, सिंपली से जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हो वो टाइप करो, जिस तरह से मैंने किया सब्सक्राइब कर लिया। क्या भाई सच में दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लेना। सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैसेज लिख लेने के बाद यहाँ पे आपको इस सेंड वाले एरो पे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना एंड यहाँ पे आपको सेंड विदाउट साउंड देखने को मिलेगा, सिंपली दोस्तों इस पे आपको क्लिक करना एंड ये मैसेज दोस्तों उसे चला गया एंड यहाँ पे उसे कोई नोटिफिकेशन कोई साउंड नोटिफिकेशन नहीं रिसीव हुआ है। दोस्तों टेलीग्राम पे आप किसी को भी शेड्यूल करके मैसेज भेज सकते हो, जिस भी टाइम पे दोस्तों अगर आप मैसेज भेजना चाहते हो तो वो टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो भी मैसेज भेजना चाहते हो वो टाइप करो। देन दोस्तों फिर से यहाँ पे सेंड वाले एरो पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना एंड ऊपर दोस्तों आपको शेड्यूल मैसेज पे सेलेक्ट करना है एंड जिस भी टाइम पे यहाँ पे आप भेजना चाहते हो दोस्तों सिंपली से टाइम सेलेक्ट करो एंड सेंड यहाँ पे कर दो। जैसे दोस्तों सेंड करोगे जब भी वो टाइम आएगा सिंपली दोस्तों उस टाइम पे यहाँ पे ये मैसेज सेंड हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फोटो है एंड उसे दोस्तों आप शेयर करना चाहते हो एंड साथ ही साथ आप ये भी नहीं चाहते हो कि शेयर करने से उसका क्वालिटी डाउन हो तो उसके लिए आपको क्या करना है सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको फाइल्स वाले सेशन में जाना है एंड जिस भी फोटो वीडियो फाइल को आप शेयर करना चाहते हो सिंपली से उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है एंड देन दोस्तों यहाँ पे आपको 3 डॉट के बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे दोस्तों सेंड विदाउट कंप्लीशन सिंपली से इस पर आपको प्रेस करना है एंड जिस भी फोटो में जिस भी क्वालिटी में ये फोटो था उसी क्वालिटी में यहाँ पे शेयर हो गया, इसमें कोई यहाँ पे कंप्लीशन भी इस फोटो में नहीं हुआ।
दोस्तों अगर आप पीपल्स नियर बाई को एनेबल करके रखते हो तो आपकी लोकेशन पे आपके एरिया में जितने भी टेलीग्राम यूजर या फिर जितना भी यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप्स होंगे वो सारे यहाँ पे आपको शो होंगे। एंड साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी शो होगा कि कितने दूरी पे वो है। एंड साथ ही साथ दोस्तों विदाउट नंबर सेव किए दोस्तों इस तरह से चैट कर सकते हो या फिर जो भी ग्रुप्स वगैरह है उसे दोस्तों यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अगर आप चाहो तो टेलीग्राम का अलग अलग लोगो वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए ज़्यादा कुछ दोस्तों आपको करना नहीं है, सिंपली से आपको सेटिंग पे चले जाना। एंड नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको चैट सेटिंग्स पे फोल्डर में आना, एंड सिंपली से स्क्रॉल करके नीचे जाना। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ऐप आइकॉन देखने को मिल जाएगा। एंड जो भी दोस्तों ऐप आइकॉन यहाँ पे आप चूज करना चाहते हो वो दोस्तों आप कर सकते हो। एंड आसानी से दोस्तों उस आइकॉन को यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। दोस्तों अब आप अपने टेलीग्राम के प्रोफाइल पिक्चर में वहाँ पे आप वीडियोस भी लगा सकते हो, सिर्फ दोस्तों वहाँ पे आप फोटो नहीं बल्कि दोस्तों कुछ इस तरह से जिस तरह से आप देख पा रहे हो उसी तरह से दोस्तों आप अपने प्रोफाइल में वीडियोस भी लगा सकते हो। उसके लिए सिंपली से आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली से प्रोफाइल में जाना है एंड एडिट, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोफाइल को एडिट करना है। एंड जिस भी दोस्तों प्रोफाइल वीडियो को आप लगाना चाहते हो सिंपली से उसे यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे दोस्तों टिक कर दो। जैसे दोस्तों आप टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली से दोस्तों आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होगा वहाँ पे दोस्तों आप जो भी वीडियो सेलेक्ट करके वो वीडियो वहां पे चलने लगेगी। So, दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी टिप्स एंड ट्रिक मैंने आपसे शेयर किया है टेलीग्राम का वो सारा टिप्स एंड ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों इस सारे टिप्स एंड ट्रिक को यूज़ करके आपका जो टेलीग्राम के साथ एक्सपीरियंस है वो दोस्तों और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। एंड साथ ही साथ दोस्तों आई होप कि आज के इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया वो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों सच में पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों नीचे जो आपको यहाँ पे लाइक बटन देखने को मिल रहा है उससे ज़रूर से ज़रूर दबा देना। एंड साथ ही साथ दोस्तों फ्यूचर में अगर इस चैनल और भी इसी तरह के कंटेंट्स आप देखना चाहते हो और भी कंटेंट चाहते हो तो यहाँ पे जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन शो हो रहा है उसे जाके जल्दी से दबा दो। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल कुछ क्वेश्चन है नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स खाली है वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो एंड डेफिनेटली दोस्तों मैं उसका रिप्लाई एंड मैं उसका सॉल्यूशन जरूर ही दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तक वीडियो के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।